लड़की अभी तक आई नहीं है, देर हो गई है। चले, मैं शॉपिंग पे भी जाना था। तुम्हें कितना टाइम लेंगी? तो आ ही जाएंगे जल्दी से। आ जाओ, तुम्हारे वेट करेंगे। बड़ा लेट नहीं कर दिया? मैम वो बस मैं रेडी हो रहा था बस। तैयार श्यार होके आने की क्या जरूरत है? बड़ा ये आजकल बड़े मॉडर्न बन के फिरते हो, है? गर्लफ्रेंड को तो नहीं मिलने के लिए जाते? नहीं मैम वो आपको पता है फिर रेडी होके आना चाहिए। नहीं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना इससे। जब टीचर इतनी खूबसूरत हो तो फिर रेडी हो तो फिर रेडी ओ होके आना तो बनता ही। ये मैम जो आपने मुझे काम दिया भेज सकते हैं। उसके अलावा मैम ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था वो भी देख लें। आपका हो गया? चलो, ये तो बड़ा त्याशर होके आता है ये। वो आप भी इतना लेट हो जाते हो, इसके साथ आप भी लेट आना शुरू हो गए हो। मैडम जी हमने दोनों एक बाइक पर आना होता है तो इसके ऐसे लेट हो जाते हैं। एक महीने से आते हैं ना। पहले जाओ, बड़े टाइम पे पहुंच जाते हैं। आज आपका काम कंप्लीट है सारा? हर दफा अधूरा छोड़ाते हो। मैं मेरा चेक कर लिया जी। ये आगे पीछे तुम्हारा काम कंप्लीट होता है? इस दफा बहुत ज्यादा तुमने कर दी है मिस्टेक्स, इसकी क्या रीजन है? वो मैम एक्चुअली में जब मैं मेरी लिखा तवज्जो कम हो चुकी है और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। जब मैं लिखा और पढ़ा तो मेरे माइंड में आपके ख्यालात और क्या बोलूं नहीं तो होना चाहिए। हाँ ये तो मुझे भी पता नहीं होना चाहिए बट मुझे भी नहीं पता कि क्यों हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं काम मैं कंप्लीट कर। उसको डांट रही थी कि उसका काम थोड़ा अधूरा है, ठीक है? आपने तो उससे भी ज्यादा मिस्टेक्स किए हैं, काम भी कंप्लीट नहीं किया। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप चल के मेरे ख्याल में आती मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम इतनी सारी बातें कहाँ से सीख के आते हो। टीचर तो तुम्हारी, मैं ही हूँ, स्कूल में भी, यहाँ भी। मैम। इसका रोमांटिक बातें कहाँ सीखते हो? फिल्म स्टोरीज ज्यादा ज्यादा दिखने स्टार्ट कर दिए क्या? मैम आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है तो फेसबुक इंटरनेट इधर वेरी से बैड, सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम कंप्लीट है, इससे आपका काम बेटर है, ठीक है? आप आज जाओ, ठीक है? आप छुट्टी करो। इसकी इस जायज को यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि इसने काम कंप्लीट नहीं किया अपना। मैम वो मैंने आपसे बात करनी थी कि मुझे भी 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। नेवर। मुझे एक दोस्त की शादी में जाना है मैम प्लीज। नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। 4 दिन टिक के तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें साथ ही छुट्टी चाहिए होती है। हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, ये तो कोई तरीका नहीं ना है। मैम वो दोस्त की शादी थी इसी वजह से मैंने बोला। आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, ठीक है? और आपकी आज भी पनिशमेंट यही है कि आप शाम तक यहीं रुकोगे मेरे पास, और आपको जी काम कवर करके जाना है। दूसरी फिजूल बातों की तरफ तवज्जो छोड़ दो। मैं मुझे एक ग्लास पानी का मिलेगा। ज्यादा प्यास लग रही है? बड़े रोमांटिक हो रहे हो आजकल, ठीक है? अच्छा, तुमने पानी पीना है? जी मैम जाओ फ्रिज में से जाके गिलास ले आओ। लड़का तो बड़ा गया है, लेकिन इस तरह की बातें इतनी सी उम्र में पता नहीं खुद से कहाँ से सीखते हैं कसम से। आगे पानी पी के जी और आपके लिए भी लेके मैंने सोचा आपको भी प्यास लगी होगी। प्यास तो मुझे भी लगी थी। तो क्यों ना इस प्यास को बुझा दिया जाए। क्या ख्याल है।
मुझे पता था तुम्हें मेरी प्यास बुझा सकते हो। ओके क्या कहते हैं, छोड़ो मेरा हाथ, उठो। मैं वो आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी, आप उठो, उठो जल्दी से जाओ आप। ओके जाओ जाओ, दरवाजा लॉक कर देना साथ।